हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। सो आज की जो रीडिंग होने जा रही है ये जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन है, जिसे आप सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नाम अनुसार, डेट ऑफ बर्थ अनुसार जैसे चाहें वैसे देख सकते हैं। ठीक है, कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अगर आपको अपनी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी डिटेल मेंशन है और नाम के अनुसार भी डिटेल्स मेंशन है। दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए ओवरऑल प्रेडिक्शन चेक करने वाली हूँ, जिसमें मैं देखूंगी आपका करियर, लव लाइफ, आपके फाइनेंसेस और स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, फैमिली में लाइफ कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जीज को हम चेक करेंगे। ध्यान रखना, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं स्पेशल रीडिंग जो है आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी, जो कि मैं हर महीने पोस्ट करती हूँ राशि अनुसार, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या होने वाली है और उनका एक्शन आपके लिए क्या होगा। वो एक अलग से आप लोगों के लिए रीडिंग जो है पोस्ट की जाएगी जुलाई मंथ के लिए। ठीक है, सो उसके लिए आप जरूर सब्सक्राइब करके रखना अगर इस चैनल में आप न्यू है तो। ठीक है, सो उसके अलावा ये रीडिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, थी था पे फोकस नहीं करना, पुरुष स्त्री दोनों के लिए बनाई जाती है। आपका ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग वगैरह बाय करनी है तो उसके लिए ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ध्यान रखना, मैं इंस्टा और फेसबुक पे द डिवाइन टैरो के नाम से अवेलेबल हूँ। लिंक दोनों की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टिकटॉक पे या किसी और अन्य प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं हूँ। ठीक है, सो अगर मेरे नाम से या मेरा फेस दिखाकर आपको कोई स्कैम कर रहा है, लाइक पैसे मांग रहा है रीडिंग्स के लिए, तो वो मैं नहीं हूँ। प्लीज थोड़े से अलर्ट हो जाए और रिपोर्ट करें उस अकाउंट को अगर पॉसिबल हो तो। ठीक है, सो साथ ही मैं आपको ये भी कहूंगी, अगर आप डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही ऑप्शन है वीडियो के ठीक नीचे, आप उस पर क्लिक करके डोनेशन कर सकते हैं जितनी आपकी श्रद्धा हो उस अनुसार। अगर नहीं भी करना चाहे इट्स ओके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक करके कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके अलावा ये सारी डिटेल्स आप लोगों के लिए क्लियर है। अब आप लोगों के लिए रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए, अब बारी है कुंभ राशि की, देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है जुलाई के मंथ में। ओवरऑल यूनिवर्स मुझे बताएं जुलाई मंथ ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि जुलाई मंथ 2024 क्या एक्सपेक्टेड है। फोर ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, मून, चैरियट, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, कुंभ राशि वालों आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, देखो करियर में या बिजनेस की सबसे पहले बात करूं तो वहां पर कहीं ना कहीं आपके फेवर में चीजें होती हुई नजर आ रही है। सडनली आपके लिए लक आपके फेवर में आता नजर आ रहा है। बिजनेस में या जॉब में किसी प्रकार का स्ट्रेस था तो वो कहीं ना कहीं सॉल्व होगा, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे कार्य आपके फेवर में बनेंगे। लाइक आपके अगर बिजनेस में आपको लग रहा था कि ग्रोथ नहीं मिल रही तो इस महीने आपको ग्रोथ मिल सकती है, तरक्की आते हुए नजर आ रही है। फाइनेंसिस में भी आपकी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है, फाइनेंशियल हेल्प की होती हुई नजर आ रही है। अगर आप कहीं पे लोन के लिए अप्लाई किए हैं या कहीं से आप इन्वेस्टर से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मनी आ जाए तो वहां से मनी आता हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी लक, सडनली लक और बोलते हैं लॉटरी लगने वाली एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो यस, आपके फेवर में कहीं ना कहीं अच्छी चीजें होती हुई नजर आ रही है आपके करियर में और आपके जॉब में। जॉब में भी कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन और आपके टास्क और आपके प्रोजेक्ट्स टाइम पे पूरे होंगे और कहीं ना कहीं न सिर्फ पूरे होंगे बल्कि आपके सीनियर्स आप लोगों से इंप्रेस होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब लॉटरी करने के मतलब ये नहीं है कि आप लॉटरी बाय कर ले, ये मतलब है कि आप जो है सडनली देखेंगे कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। कहीं ना कहीं सडनली आपके जो लाइफ में एक स्लो चीजें हो गई थी उसमें सडनली आप हाई पीक पे आते हुए दिखेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। इस महीने की एनर्जी थोड़ी सी लेजी सी रहेगी, आप लेजीनेस फील करेंगे, आलसा महसूस होगा, ओवरथिंकिंग भी बहुत करेंगे। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई काम कल पे टालने की कोशिश करेंगे कि आज नहीं कल करते हैं परसों करते हैं, तो एक तरीके का आलस जरूर देखने को मिलेगा आपके अंदर। इस महीने आपको लग सकता है कि लाइक बहुत से लोगों को लेकर आप थोड़े से अनग्रेटफुल या एक होता है ना कि उदास से मायूसी सी एनर्जी को महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से लोगों को लेकर आप निराश होते हुए उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस फील करते हुए नजर आएंगे। ये बहुत से लोग यानी कि स्पेशली मुझे लग रहा है आपके फ्रेंड्स या फैमिली के कुछ मेंबर्स होंगे जिनसे आप एक दूरी का एहसास महसूस करेंगे या उन्हें कुछ बातें समझाने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा कि आपकी कोई बात समझाना उनके लिए उनको आपकी कोई बात समझाना मुश्किल है, इस तरीके की एनर्जी फील होगी। स्टूडेंट्स के लिए महीना अच्छा है, उन लोगों के लिए फोकस अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं सफलता भी मिल रही है, टेस्ट और एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करते नजर आएंगे। कोई एडमिशन कहीं लेनी है तो मन चाहे कॉलेज और मन चाहे स्कूल में एडमिशन हो सकता है। इस महीने की जो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है वो क्या है,
राइट और रॉन्ग के बीच में डिसीजन नहीं ले पाएंगे, बहुत ज्यादा खुद को कंफ्यूज महसूस करेंगे, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, अचानक से रख रख के बहुत गुस्सा आ जाएगा और एकदम से ओवर रिएक्ट कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल रहेगी इस महीने कि अचानक से आप सडनली बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे और एकदम से शांत भी हो जाएंगे, इस तरीके की एनर्जी रहेगी। इस महीने दुश्मन आप पे थोड़े से भारी रहेंगे, दुश्मनों की एनर्जी कंपटेटिव एनर्जी ज्यादा रहेगी, कंपटीटर्स या आपके दुश्मन आपको गिराने या झुकाने की पूरे प्रयास में रहेंगे कि आपको तकलीफ हो। वहीं थर्ड पार्टी अगर सिचुएशन है तो थर्ड पार्टी से आप परेशान होते नजर आएंगे, थर्ड पार्टी को लेकर आप बहुत इरिटेट होंगे और वो कहीं ना कहीं आपको जलाने में या हर्ट करने में सक्षम रहेंगी। आपके पार्टनर आपसे छिन गए, इस तरीके का एहसास भी होगा, ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर अब आपकी बातें नहीं सुनकर दूसरों की बातें ज्यादा सुन रहे हैं, इस तरीके का एहसास आप महसूस करेंगे और इसके वजह से पार्टनर को लेकर मायूस होते हुए नजर आएंगे। जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिड मैरिड लाइफ में होते हुए भी वो कहीं ना कहीं और जगह पे अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे, यानी कि यस इस महीने आपका ध्यान कहीं और केंद्रित हो सकता है, आप किसी और की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, कोई अफेयर वगैरह के चक्कर में आप पड़ सकते हैं। यदि आपका कोई प्रीवियस अफेयर था तो उस अफेयर में आप दोबारा आएंगे, इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी में प्लेयर एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है, जहाँ पर आप एक साथ दो लोगों से डील करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है आप बहुत ज्यादा पॉलिटिकल रहेंगे अपने रिश्ते में, अपने रिश्ते को मैनेज करते करते दूसरा भी एक रिश्ता मैनेज करेंगे और पार्टनर से बहुत सी बातें छुपाते हुए, उनसे हाइड एंड सीक का गेम खेलते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। वहीं लव लाइफ की अगर बात की जाए, जो लोग अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और उसके लिए देखना चाहते हैं कि महीना कैसा रहेगा, तो उन लोगों के लिए बैलेंस्ड और स्थिर महीना रहेगा, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, ना ज्यादा रोमांटिक या ना ज्यादा बोरिंग, एक मिक्स्ड एनर्जी है, एक बैलेंस्ड एनर्जी है, जिसमें ऐसा है कि पार्टनर से बात हो रही तो ठीक, नहीं हो रही तो भी ठीक, चीजें बहुत बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ मेस्ड अप हो रहा है या स्ट्रेस हो रहा है या आप लोग दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है, नहीं, सब चीजें मैनेजेबल है। एक रूठेगा तो दूसरा मनाएगा, दूसरा रूठेगा तो पहला वाला मना लेगा, ऐसी एनर्जी बन रही है इस महीने। सिर्फ एक चीज सबसे ज्यादा जो मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, वो होगा आपका गुस्सा, अचानक से आता हुआ गुस्सा, तेजी से आने वाला गुस्सा, तेजी से चला भी जाएगा, इस तरीके की एनर्जी रहेगी। हेल्थ की अगर देखी जाए तो हेल्थ खराब रह सकती है इस महीने, आपकी हेल्थ खराब होने का कारण कहीं ना कहीं आपकी ओवरथिंकिंग रहेगी, जिसके वजह से सर दर्द की शिकायत, मोटापा, थायराइड या स्किन रिलेटेड डिजीज या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी दिखाई दे रही है इस महीने। पैनिक अटैक्स भी आ सकते हैं, सोच विचार और ओवरथिंकिंग को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है, मायूसी को नहीं अपनी पॉजिटिविटी को चुने, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा था शुरुआत की रीडिंग में आप आलसी रहेंगे इस महीने, ओवरथिंकिंग बहुत करेंगे, करियर में तो चीजें अच्छी हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी चीजें अच्छी हैं, लव लाइफ में भी चीजें बैलेंस है, पर मन थोड़ा सा आपका विचलित है, जिसके वजह से अचानक से रख रख के आपको गुस्सा आ रहा है, किसी तरीके का कंप्लेनिंग नेचर, लोग आपको समझ नहीं पा रहे, लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या ऐसा देखा जाए कि आप ही लोगों को देख नहीं पा रहे और समझ नहीं पा रहे, जिसके वजह से एक तरीके का डिस्टेंस आप फील करेंगे इस महीने। आपका मन बहुत रहेगा कि आप अकेले रहें, लोगों से कम बात करें या लोगों से कम कम्युनिकेशन हो, पर जितनी आप कोशिश करेंगे कि आप अकेले रहें उतना लोगों की भीड़ आपके आसपास रहेगी, जिससे आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट और इरिटेट होते हुए नजर आएंगे। इस महीने की एनर्जी में क्लियरली लग रहा है कि दोस्तों के साथ आपका अच्छा रहेगा टाइम, दोस्तों को लेकर एक्साइटेड रहेंगे, कोई प्लान्स बना सकते हैं फ्यूचर के लिए, ऐसे चांसेस है। इस महीने आप कहीं नहीं जा रहे हैं लेकिन आने वाले समय के लिए प्लान्स कुछ बन सकते हैं, या छोटी मोटी गेट टुगेदर आप जरूर अटेंड करेंगे अपने दोस्तों के साथ इस महीने। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके थॉट्स आपके लिए पावरफुल एनर्जी क्रिएट करेंगे, आपके थॉट्स के वजह से आपके बिजनेस, आपके करियर और आपके फाइनेंस में ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन आप ही के थॉट्स आपको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर भी करेंगे और आपका स्ट्रेस भी बढ़ाएंगे। सोच विचारों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें ध्यान में बैठने की, मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस करें, और या तो आप जो है अपने मन को शांत करने के लिए पानी, एक तो पानी का तो बहुत ज्यादा आपको ध्यान देना है, पानी आप वेस्ट नहीं करें, जितना हो सके पानी को बर्बाद कम करें, ठीक है। दूसरा आपको जो है पानी ज्यादा पीना चाहिए, और दूसरा मैं मेडिटेशन के अलावा आपको ये कह रही थी कि वाटर मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई बाधा है और सॉल्व नहीं हो रही तो वाटर मैनिफेस्टेशन से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इसकी रिसर्च आप यूट्यूब पे कर सकते हैं कि इसे कैसे करना होता है, बहुत ही आसान होता है, ट्राई कर सकते हैं, उससे आपको बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी। बाकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर देखा जाए तो इस महीने आपका मन थोड़ा पूजा पाठ में कम ही लगेगा, आपका ध्यान बाकी चीजों में बहुत रहेगा, ऑक्यूपाइड रहेंगे, ये भी काम वो भी काम, अगर पूजा पाठ करेंगे भी
तो मजबूरी से करेंगे, थकावट से करेंगे और अकेले ही करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस तरीके की एनर्जी की स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी मिसिंग रहेगी इस महीने। कहीं ना कहीं डिजायर बहुत ज्यादा पैसों की होगी कि बहुत ज्यादा पैसा कहीं से आ जाए, कहीं से बहुत ज्यादा फाइनेंस मिल जाए। फाइनेंशियल ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके मन में है कि और आना चाहिए, ये जो आ रहा है इतना काफी नहीं, और चाहिए। तो एक तरीके की लालसा आप में देखने को मिलेगी, जिसके वजह से ही आप थोड़े से इरिटेट बिना वजह बार बार होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल देखो तो विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है आप लोगों के लिए। महीना अच्छा है, अगर आप सिंगल हैं तो अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। लव लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, सिंगल्स के लिए मैं बोल रही हूँ, जो लोग अपनी लाइफ में एक बेहतरीन ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में उनको कोई अच्छा पार्टनर मिल जाए, इस महीने एक अच्छा अप्रोच या ऑफर मिल सकता है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आपकी एक अच्छे इंसान से बात हो सकती है या दोस्ती हो सकती है। कहीं ऑलरेडी बात चल रही है, कहीं और आपकी जो है बातचीत चालू है शादी को लेकर, तो वहां से जवाब आता हुआ नजर आएगा जो कि पॉजिटिव आंसर होगा। क्लियरली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके लिए न्यूज अच्छी ही होगी, जिससे आप बहुत खुश होंगे, मन खुश होता हुआ नजर आ रहा है। पर वही मैरिड लोगों के लिए, जैसे कि मैंने कहा, चीटिंग एनर्जी बन रही है, और चीटिंग का कारण कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ही बनेंगे। आपके पार्टनर से मिला हुआ धोखा, उनसे उनका बदला हुआ बर्ताव और बिहेवियर आपको पसंद नहीं आएगा, जिसके वजह से ही आप सडनली चेंज हो रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। जिन लोगों के लिए लीगल मैटर चल रहा है, वो लीगल मैटर कंटिन्यूड रहेगा, आप परेशान होते हुए थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हुए नजर आएंगे। अगर लीगल मैटर चल रहा है तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, चीजें डीले होंगी, डेट पे डेट लगेगी, यानी कि तारीख पे तारीख लगती हुई नजर आ रही है। आने वाले समय में आपकी लाइफ में क्या रिवॉर्ड आने वाले हैं, जो कि मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ कप्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आने वाले समय में आप अपनी सेल्फ वर्थ समझेंगे, खुद से सेल्फ लव करेंगे, और आज जो आप हैं उससे और ज्यादा बेहतर बनने वाले हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग कुंभ राशि वालों। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। अभी के लिए इतना ही, मैं चलते ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।